देव की स्याही दूर होती है। देव के अंदर जो बीमारी पड़ते रहते हैं, भेद से निकल करने से, वो करने का कर्मा का फिर से कर्मा करने से 70,000 पर्दे जो होते हैं वो इंसान के जलना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान जिक्र की कसरत करते हैं तो पर्दे जलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का कसर खोलना शुरू हो जाता है। फिर वो मनाजिर नज़र आते हैं जो दुनिया में कभी नहीं होते हैं। इस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी रही देखा बोलने की बात, वो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सैना ईसा अलैहि सलाम की ईसा अलैहि सलाम की उम्र के तबक रखे होते हैं, ईसा अलैहि सलाम के उम्र के 72 रखे और मेरी उम्र के 73 रखे हुई। ऐसा ईसे मुबार का कोई बता नहीं सकता, वो अपने एक दोहे पर लकीर है। मगर हम इस हदीस के मुताबिक के उनमें से एक फिरका जो 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नत में गए और वो फिरका हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो फिरका जो आप सच में फरमाए मेरी और मेरे साहबा की सुन्नत पर होगा, उनके तरीके पर होगा। हम उम्मत को इस तरीके पर लाना चाहते हैं कि इत्तेहाद उम्मत के अलहम्दुलिल्लाह जमिया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका में मत बनो। जब आप अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम के रखेंगे तो तफरकाबाजी नहीं करेंगे और अल्लाह ताला आपको उस जमात के अंदर शामिल कर देगा जो मिलाद रसूल की जमात है, अल्लाह के रसूल की जमात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की पाबंदी करना शुरू हो जाएंगे, उनकी मोहब्बत दिल में पैदा होगी, उनका इश्क पैदा होगा और साहब कराम के तरीके पर चलेंगे चलेंगे तो इन शाला तारा कामयाबी का रास्ता आपको सामने नजर आएगा। अभी ये फरवरी मामला में बहुत से रिश्ते पैदा हो गए हैं, नए नए हैं। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पहाड़ों के बराबर जो है हमारे लिए, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि उनको दो जख्मे देंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे कि या रब्बे करीम, ये लोग तो मेरी उम्मत के लोग और पहाड़ों के बराबर इनके अमाल हैं, तो अल्लाह करीम फरमाएगा कि ऐसे ये ऐसे लोग हैं कि आपके बाद इन लोगों ने नई दीन में नई नई राह तलाश कर ली, नए नए रास्ते पे चलना शुरू हो गए और वो अमाल जो है वो ज़ाया हो गए। इसलिए एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा करना, यही हमारा मकसद है। यहाँ पे कोई दुनियावी मकसद नहीं है, यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र है महीने में हम तरजी से करके मेहनत करवाते हैं, उनका खर्चा उनके जो लंगर का खर्चा है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये फकीर अपनी जेब में लाता है। हमें तो दुनिया का लालच नहीं है, यहाँ पर आएँ तशरीफ लाएँ, जिक्र लें और जिक्र के ऊपर आप कायम रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आखिरत बेहतर कर देगा और आखिरत बेहतर होगी तो सब बेहतर कर देगा। बाकी जो है ये दुनिया है, यहाँ पे इंसान से छोटी मोटी कथाएँ होती हैं, जब आप दिल से एक मालिक को पुकारेंगे तो कथाएँ का मुआवजा देगा। अल्लाह से दुआ है कि ये जो इदारा के अंदर या मुस्तफ़ा ट्रस्ट वाले हैं हॉस्पिटल वाले, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ट्रस्ट करता है, इनके डॉक्टरों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि यहाँ पर ये तशरीफ लाते हैं और अल्लाह की मखलूक की फ्री खिदमत करते हैं, आँखों को टेस्ट करते हैं, वहाँ यहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, चश्मा फ्री लगता है और जिसका ऑपरेशन ड्यू होता है उनको ये डेट देते हैं और हम इदारे की तरफ से उसको हॉस्पिटल में पहुँचा कर वहाँ पर फ्री फ्रेंड का ऑपरेशन कराते हैं। ये अल्लाह ताला की खास रहमत है इदारा नाजिया सूर के ऊपर। और अब उसका ट्रस्ट वाले जो हैं ये दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ। पिछले दिनों बकरा ईद के ऊपर ये लोग 200 गाय ज़िबा करके यहाँ पे लाए, यहाँ पे हमने ये कुर्बियों वाले हैं इनको गोश्त भी तकसीम किया और लोगों लोग जो है कितने खुश हुए, जिनको खाने में को गोश्त नहीं मिलता मिलता कुर्बानी के ऊपर भी वो लोग कितना इनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। यही हमारा मकसद है कि दीन की खिदमत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत है, इसको हमने मकसद अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है। इसी मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए और अल्लाह की मखलूक करने से अल्लाह मिलता है, जब अल्लाह मिल जाए तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बहुत हासिल होता है। अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो आप में पूछ रहा हूँ सवाल पूछना। ये जो आपका एक जिक्र है कल, इस पर थोड़ी रोशनी डालें, लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं, लोग
के इससे बड़ी दूर निकल गए हुए हैं, लोगों को इस कल की जिक्र का बिल्कुल पता नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका हुक्म दिया है कि अपने अल्लाह को पुकारो खफी और जाहिरी तौर पर। अब जाहिरी तौर पर हम कलमा तैयबा नाम लेते हैं ना पढ़ते हैं, कल्बी तौर पर नहीं पढ़ते। वो अल्लाह ताला ने अपने औलिया कराम की ड्यूटी लगाई होती है, जिस तरह मैंने जो चक्की अलेरी रहमतुल्लाह जाता अली अलेरी रहमतुल्लाह है, नबी अब दुनिया में नबी तो कोई नहीं आएगा, तो आप जो औलिया कराम है वही इस निज़ाम को संभाले हुए हैं। और शरा मकताब के अंदर है, अल्लाह सुभान व तआला ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को ये इख्तियार करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 40 लोग ऐसे 300 लोग ऐसे पैदा किए हुए हैं जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत पर हैं, 40 लोग हैं जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबीयत पर हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत पर हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबीयत पर हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की तबीयत पर हैं। ये लोग जो हैं ये हम वक्त जिस तरह दुनिया के अंदर बादशाह होते हैं इसी तरह ये निज़ाम रूहानी निज़ाम चला रहे हैं। हर वक्त ये इतने लोग जो हैं दुनिया में मौजूद रहते हैं और वो दुनिया का रूहानी निज़ाम चला रहे हैं, और यही अल्लाह ताला के औलिया होते हैं। कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई वली है, कोई अवतार है, अपनी अपनी ड्यूटियाँ सब कर रहे हैं। उनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, वो अल्लाह की महबूब की उसी तरह खिदमत कर रहे होते हैं जिस तरह के दुनिया में ये निज़ाम है, दुनिया का ये वजीर आज़म है, फिर दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से अल्लाह की वजह से औलिया कराम में निज़ाम चला रहे हैं, तो दोनों पैरेलल हैं। बाकी जो है अल्लाह ताला ने शर और खैर दोनों कुवतों को पैदा किया हुआ है। शैतान अपनी कुवत से अपना काम कर रहा है, अल्लाह वाले रहमान की रहमत से अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह वाले जो हैं वो रहमान के करीब करते हैं, शैतान रहमान से करीब करते हैं। यही एक फ़र्क है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। यह आयत करीम साबित इसलिए पड़ी कि अल्लाह ने कुरान करीम फरमा दिया कि माफ़ कर दूँ कि हम लीला जमी बला तफरबू, कि आपस में तफरकाबादी मत करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। अल्लाह की रस्सी क्या है? रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरा जो है वो अल्लाह की ज़ात है, दूसरा अल्लाह का रसूल है। इसी तरीके से एक सिरा अल्लाह का कुरान है, दूसरा हदीस है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की फरमान का अमल है, और इसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उनके दो अल्फाज़ फरमान है, उनके अमल करना है। ये है अल्लाह की रस्सी, इसी को थाम कर आगे चलना है। फिर आगे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और सहाबा इकराम की मोहब्बत, ये और अहले बैत की मोहब्बत, ये चीज़ें जो है हमारे अंदर खुद आ जाएंगी, हमें फिरकाबंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अस्हाबा का नजूम में इन इक्तदई तुम इन्हें तदई तुम, कि मेरे सहाबा जो हैं सितारों की मानद हैं, जो किसी एक भी एक की भी आप पैरवी करोगे इन शाला जन्नत में चलेगा। इस रास्ते को थाम के रखना है, इसी पर अमल करना है और अल्लाह के बंदों की सोबत इख्तियार करना है। जब आप शरीयत में अमल करते हैं तो आप नमाज के रोज़े के हज के ज़कात के मुकम्मल हो जाते हैं, फिर आप तरीक़त में आते हैं। तरीक़त क्या सिर्फ होती है? वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। जब इनमें इंसान फना हो जाता है, पहले अपने शेख की मोहब्बत में फना होता है, फिर फना फिर रसूल की मोहब्बत आती है। उसमें जब फना हो जाते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रहमत से आगे भेज देते हैं अल्लाह के दरबार में। फिर फना फिल्ला का मकाम आता है, जो जिस कुमार से पैदा ही करते हैं, जब बात करते हैं अलाई होती है तो बंदे के हाथ उठाने से पहले ही अल्लाह ताला जवाब देता है। यही औलिया कराम का, यही दाता साहब का, यही मुहिद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह का रास्ता है, और यही मियां मीर साहब का, यही अलहमदुलिल्लाह का रास्ता है। और आपको जुड़ा करता है अल्लाह आपको बरकत दे, आप मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों को बरकत दे, जो आप गाहे बगाए यहाँ पर आके अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह की मजदूर की खिदमत करते हैं, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ करते हैं। मैं इनके लिए रात दिन दुआ करता हूँ, कल इनके दिन दूरी रात का हमारे ही मौजूद है।